बीस पच्चीस साल पढ़ने के बाद और लाखों रुपए पढ़ाई में खर्च करने के बाद जॉब के लिए जुगाड़ हर लगानी गली पड़ती। हर है। मोहल्ले हर घर जिधर मुंह उठाकर देखोगे आपको बेरोजगारों की भीड़ नजर आ जाएगी। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो पढ़ रहे हो तो 0.33% चांस है कि आपको एक जॉब मिल जाएगी। इस वीडियो में हम जानेंगे भारत में इतनी बेरोजगारी क्यों है और बेरोजगारी के कारण क्या है, क्यों भारत का युवा एक नौकरी के लिए तरस रहा है। बस आप हमारे साथ बने रहिए। मैं हूं विपिन ठाकुर और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हर कोई चाह रहा है बस कैसे भी एक नौकरी मिल जाए। अकॉर्डिंग टू CMIE रिपोर्ट भारत में बेरोजगारी की दर 8% है। मतलब अगर 100 लोग काम करना चाह रहे हैं तो उनमें से 8 लोगों को काम नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप रियल लाइफ में देखोगे तो आपको कुछ अलग आंकड़े नजर आएंगे। आप हर गली हर मोहल्ले हर घर जिधर मुंह उठाकर देखोगे आपको बेरोजगारों की भीड़ नजर आ जाएगी। बेरोजगारी कुछ इस कदर है, अगर कहीं नाला भी साफ हो रहा हो ना तो उसे देखने के लिए भी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। बेरोजगार बोलते किसको है, जो काम करने के इच्छुक है, काम करना चाह रहे हैं पर उनको काम नहीं मिल रहा, उनको बेरोजगार बोलेंगे, ना कि उनको जो ना तो काम करना चाहते हैं और ना ही काम ढूंढ रहे हैं। रोजगार मिलने का मतलब ये नहीं कि आपको कोई भी काम मिल गया। रोजगार मिलने का मतलब है आपको आपकी स्किल और नॉलेज के हिसाब से काम मिला है। लेकिन हो क्या रहा है, ग्रेजुएट लोगों को भी लेबर क्लास का काम मिला है। ग्रेजुएट लोग चपरासी की नौकरी करने के लिए मजबूर हैं, इनको ये काम मजबूरी में करना पड़ रहा है क्योंकि इनको अपनी फैमिली पालनी है। कंपनीज को लेबर के रेट में ग्रेजुएट मिल रहे हैं काम करने के लिए, ये बेरोजगारी नहीं तो क्या है। 2018 में 62,000 रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसियों के लिए 2 करोड़ एप्लीकेशंस भरे गए, जिनमें से 82 लाख ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएटों ने अप्लाई किया, इंक्लूडिंग बीटेक ग्रेजुएट और एमटेक पोस्ट ग्रेजुएट। इतनी ज्यादा मारामारी है एक जॉब के लिए, बस कैसे भी एक जॉब मिल जाए। 2014 से 2022 तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने 7,22,000 वैकेंसी प्रोवाइड की, जिनके लिए 22 करोड़ एप्लीकेशंस रिसीव्ड हुए। यानी अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो पढ़ रहे हो तो 0.33% चांस है कि आपको एक जॉब मिल जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालने का एक फॉर्मूला होता है, अनएम्प्लॉयड पर्सन डिवाइडेड बाई लेबर फोर्स इंटू 100। लेबर फोर्स क्या होता है, एम्प्लॉयड पर्सन और अनएम्प्लॉयड पर्सन का जो सम आता है, जोड़ आता है, उसे ही लेबर फोर्स कहते हैं। वैसे तो कई देशों की जितनी पॉपुलेशन है उससे ज्यादा इंजीनियर्स बनते हैं भारत में। IIT, NIT और कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज को छोड़कर जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं, कुछ चुनिंदाओं को छोड़कर जहां पर स्टूडेंटों से लाखों रुपए तो फीस ली जाती है, उसके बाद भी उन्हें एक जॉब प्रोवाइड नहीं की जाती। लाखों रुपए फीस में खर्च करने के बाद एक जॉब के लिए दर दर भटकते हैं स्टूडेंट। अब सवाल ये है, इतनी ज्यादा बेरोजगारी बढ़ क्यों रही है। बेरोजगारी बढ़ने का मुख्य कारण है जनसंख्या में वृद्धि। पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो गई है कि एक वैकेंसी के लिए हजारों एप्लीकेशन आ जाते हैं, बस कैसे भी काम मिल जाए। तो जैसे जैसे देश की पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बेरोजगारी भी बढ़ती जाएगी। बेरोजगारी बढ़ने का एक रीजन हमारा एजुकेशन सिस्टम भी है, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं देता कि हम अपनी एजुकेशन के दम पर कहीं जॉब ले सकें, और स्किल का तो दूर दूर तक कोई नाम नहीं होता। तो जब तक इस सिस्टम में सुधार नहीं होगा बेरोजगारी बढ़ती रहेगी। बेरोजगारी बढ़ने की एक वजह जुगाड़ भी है, क्योंकि हमारे यहाँ हर चीज़ में जुगाड़ लगाई जाती है। अगर किसी कंपनी में एक वैकेंसी है और उसके लिए आप एलिजिबल हो और दूसरा बंदा एलिजिबल नहीं है, पर उसके लिए कोई नेता या उसका रिलेटिव जो उस कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर है जुगाड़ लगाता है, तो जॉब उसको दी जाएगी, ना कि आपको। आप अपनी एलिजिबिलिटी को जेब में रख के वापस आ सकते हैं। जब नौकरी लगनी ही जुगाड़ से है तो इतने पढ़ने का क्या फायदा। 20-25 साल पढ़ने के बाद और लाखों रुपए पढ़ाई में खर्च करने के बाद जॉब के लिए जुगाड़ लगानी पड़ती है। बेरोजगारी का एक कारण सीमित भूमि का होना भी है। लोगों के पास अब इतनी ज्यादा खेती नहीं है कि वो उसमें बाहर के वर्करों से काम करवाएं, वो उसमें खुद ही काम कर लेते हैं क्योंकि उतनी ज्यादा भूमि बची ही नहीं है। बेरोजगारी बढ़ने का एक कारण टेक्नोलॉजी और मशीनरीज भी है। जो काम 20 लोग मिलकर करते थे वो काम एक मशीन अकेली कर रही है, और टेक्नोलॉजी इस कदर बढ़ गई है कि आपको जगह जगह रोबोट काम करते हुए नजर आ जाएंगे। बेरोजगारी बढ़ने का एक रीजन ये भी है कि युवाओं में स्किल की कमी, और कुछ लोगों में स्किल है तो वो उस पर फोकस नहीं करते, उस पर काम नहीं करते। बस डिग्री के पीछे भागना और डिग्री लेकर एक जॉब के लिए दर दर भटकना। मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, अगर आप में कोई स्किल है तो आप उस पर फोकस करें, उस पर काम करें और अपनी स्किल में मास्टर बने और फिर उससे पैसे कमाएं। अगर एक टिकटॉकर आपसे ज़्यादा पैसे कमा रहा है तो आपकी डिग्री का क्या मतलब। आने वाले टाइम में बेरोजगारी बढ़नी ही बढ़नी है,
क्योंकि डिजिटल युग बढ़ता जा रहा है, लोगों की जगह काम करने वाली मशीन्स बढ़ रही हैं, साथ ही साथ पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। आने वाले समय में बस ना के बराबर जॉब्स रह जाएंगी। आप रोज पढ़ते होंगे कि इस कंपनी ने इतने वर्कर निकाल दिए, उस कंपनी ने उतने वर्कर निकाल दिए, ये संख्या बढ़ेगी कम नहीं होगी। मैं फिर कह रहा हूँ, आप अपनी स्किल पर फोकस करें। सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर हरियाणा में है 37%, उसके बाद आता है राजस्थान 28%, उसके बाद आती है दिल्ली 20%, उसके बाद बिहार 19%, फिर झारखंड 18%। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक थोड़ा सपोर्ट बनाए रखें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी।